नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज हम अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के स्मरणीय तथ्यों का अध्ययन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सभी जो तथ्य हैं किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। अरस्तु का जन्म मकदूनिया के इस्तगिरा नामक नगर में 384 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये यूनान के महान दार्शनिक थे और अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो के शिष्य थे और ये सिकंदर महान के गुरु थे। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर महान के गुरु थे। इनका निधन 322 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका मूल यूनानी नाम अरिस्तोतिलेस था तथा अरस्तु के पिता मकदूनिया दरबार में चिकित्सक थे। मतलब ये तो हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करते थे क्योंकि इनके पिता मकदूनिया के राज दरबार में क्या थे? चिकित्सक थे। इनको किन किन क्षेत्रों का ज्ञान था? देखिए, बहुत सारे विषयों का इन्हें ज्ञान था और इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी इन पर। दर्शन शास्त्र, आचार शास्त्र, राजनीति शास्त्र, काव्य शास्त्र, भाषण शास्त्र के अतिरिक्त भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मौसम विज्ञान, मनोविज्ञान इत्यादि विभिन्न विषयों पर इनकी 400 पुस्तकें हैं। तो बहुत ज्यादा इन्होंने लेखन कार्य किया है और अरस्तु की सभी कृतियां यूनानी अथवा ग्रीक भाषा में लिखी है इन्होंने। इन्होंने जो भी कृतियां लिखी हैं यूनानी अथवा ग्रीक भाषा में लिखी है। पाश्चात्य विधाओं के अंतर्गत ये बहुत ही प्राचीन आचार्य माने जाते हैं। आचार्य माने जाते हैं, जैसे हमारे भरत मुनि है वैसे इनका वहां पर स्टेटस हो सकता है। इन्होंने काव्य शास्त्र पर 2 प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी है, भाषण शास्त्र और काव्य शास्त्र। भाषण शास्त्र को अंग्रेजी में बोला जाता है रिटोरिक और काव्य शास्त्र को बोला जाता है पोएटिक्स। भाषण शास्त्र का यूनानी नाम है तेखनेस तिरोरिकेस और अरस्तु के काव्य शास्त्र का यूनानी नाम क्या है? पेरी पोइएटिकस। ये आपको ध्यान में रखना है, ये इनकी कृति है जो प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है। तो काव्य शास्त्र का यूनानी नाम क्या है? पेरी पोइएटिकस, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण, इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था ऑन पोएटिक्स नाम से 1700 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड से टी विंस टेनली ने। टी विंस्टेनली नाम के विद्वान थे, इन्होंने इस यूनानी ग्रंथ का अंग्रेजी में रूपांतरण किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसे नाम दिया ऑन पोएटिक्स और यह 1780 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था। इसका संक्षिप्त एवं प्रचलित नाम है पोएटिक्स और इसकी रचना कब हुई थी? 330 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। तो इस कृति की रचना हुई थी 330 ईसा पूर्व के आसपास, बिफोर क्राइस्ट। पेरी पोएटिकस इसमें 26 अध्याय है और 50 पृष्ठ है। इसमें अरस्तु ने किन किन विषयों की चर्चा की है? काव्य की उत्पत्ति, काव्य की प्रकृति, काव्य का सत्य, काव्य के भेद, काव्य का प्रयोजन, प्रयोजन मतलब उद्देश्य, और काव्य कला इत्यादि का विवेचन इन्होंने किया है। लगभग 1000 वर्षों के बाद पेरी पोएटिकस रचना प्रकाश में आई थी। इसके लिखने के 1000 साल बाद यह पता चला। 1498 ईस्वी में वाल्ला नाम का एक इतालवी विद्वान था इटली में, इन्होंने लैटिन में इसका अनुवाद किया। पहले इसका लैटिन में अनुवाद हुआ था और इसकी प्रथम अंग्रेजी व्याख्या किसने की थी? टी विंस्टेनली द्वारा 1780 ईस्वी में की गई थी। 1000 साल बाद तो यह पता ही चला। बाद में इसका इतालवी जो इटली का जो विद्वान थे उन्होंने इसका लैटिन में अनुवाद किया और बाद में अंग्रेजी में इसका अनुवाद किसने किया? टी विंस्टेनली ने 1780 ईस्वी में किया। और बूचर नाम के विद्वान थे 1894 ईस्वी तथा इनग्रेम बाई वाटर 1898 ईस्वी द्वारा पेरी पोएटिकस का अनुदित रूप सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है। यह 50 पृष्ठों की पुस्तक है। इसकी जो सर्वाधिक प्रमाणिक कृति कौन सा है? सर्वाधिक प्रमाणिक जो अनुवाद है यह है बूचर और इनग्रेम बाइटर के द्वारा किया गया है। तो इनके संबंध में बेसिक जानकारी है। और इनकी एक और रचना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, यह है वसीयतनामा और इसे दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र कहा गया है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी जो वसीयतनामा है इनकी रचना, इसे कहा जाता है दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र। शायद उस समय दास प्रथा प्रचलित रही होगी वहां पर। इसके बाद अरस्तु ने एसस तथा लाइसियम, ये 2 नगर हैं लिसियम और एथेंस के समीप अपोलो में, इन दो स्थानों में नई अकादमी की स्थापना की थी। या एक तो एसस करके स्थान है, दूसरा लाइसियम है जिसे लिसियस भी कहते हैं, यह एथेंस के समीप है, है ना। और अपोलो, इन दो जगहों पर इन्होंने क्या, 2 नई अकादमी स्थापना की थी, वहां पर ये छात्रों को पढ़ाते थे। और अरस्तु प्रथम, यहां से इनका मुख्य अब चालू हो रहा है, मुख्य नोट्स।
अरस्तु प्रथम वह काव्य शास्त्री थे जिन्होंने कला आर्ट और ललित कला फाइन आर्ट में अंतर किया। तो यह पहले काव्य शास्त्री थे जिन्होंने अंतर किया कि कला अलग चीज है और ललित कला अलग चीज है। ललित कला मतलब पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग इत्यादि जो होते हैं, इन्हें हम कहते हैं ललित कला। इन दोनों में इन्होंने अंतर किया। इसके बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र में के पितामह अरस्तु, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है पाश्चात्य काव्य शास्त्र के। इनडायरेक्टली आप इनको पितामह कह सकते हैं। तो ये अपने निम्न सिद्धांतों के कारण बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। पहला है इनका अनुकरण सिद्धांत, इस पर मैं लेक्चर बना चुका हूं, दो दो लेक्चर, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं इसमें मेरे प्लेलिस्ट में। इसके बाद विरचन सिद्धांत और तीसरा त्रासदी, ट्रेजडी एम कॉमेडी का सिद्धांत, है ना, त्रासदी और कॉमेडी। तो अनुकरण सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं, मेरे पिछले दो लेक्चर आप जाकर देखें। विरचन सिद्धांत पर भी एक लेक्चर बना चुका हूं, लेकिन आज का जो लेक्चर है यह मुख्य रूप से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आधारित है जो आपके परीक्षा में बहुत ज्यादा उपयोगी होंगी। और तीसरा है त्रासदी, त्रासदी मतलब ट्रेजिडी, इसको बोलते हैं दुखांत, दुखांत नाटक या फिर दुखांत, जो गम या ट्रेजिडी से जिसका समापन होता है। और कॉमेडी मतलब कॉमेडी का सिद्धांत। तो भले ही हम अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत कहते हैं, लेकिन अरस्तु ने त्रासदी मतलब ट्रेजिडी और कॉमेडी मतलब कॉमेडी दोनों पर विचार व्यक्त किया है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अरस्तु के विरेचन सिद्धांत को डिटेल में। अब अरस्तु का जो विरेचन सिद्धांत है, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है थ्योरी ऑफ कैथारसिस, या प्लेटो के अनुकृति सिद्धांत के विरोध का परिणाम है। यह अनुकृति सिद्धांत मतलब प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत। यह ध्यान में रखें, अनुकृति और अनुकरण सब एक ही शब्द है। तो यहां पर जैसे मैंने अनुकृति सिद्धांत लिखा है, तो इसका मतलब भी क्या है, प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत। तो यह उसके विरोध में क्यों है, क्योंकि प्लेटो ने कहा था कि जो कवि होते हैं जब वो कविता लिखते हैं तो उससे लोगों की वासनाएं भड़क जाती हैं, उनके मन में काम भावना जागृत होती है, उनमें बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, तो उनकी भावनाओं को उद्बुद्ध कर देता है, जागृत कर देता है, मतलब भावनाओं को भड़का देता है, ऐसा उनका कहना था। तो इसके विरोध में अरस्तु जो उनके शिष्य हैं उन्होंने विरेचन सिद्धांत लेकर आया, और ये थ्योरी ऑफ कैथारसिस। तो प्लेटो की मान्यता क्या है, उनके जो गुरु है प्लेटो, इनको मानना है कि काव्य मनुष्य की वासना का पोषण करता है और उसे विकारग्रस्त बनाता है। मतलब काव्य क्या करता है प्लेटो के अनुसार, वो मनुष्य में वासना को भड़काता है ना, और उसको विकारग्रस्त बनाता है, इसे रोगी बनाता है, काम भावना भड़क जाती है उसमें। इसका खंडन कर अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि विरेचन सिद्धांत यह जो टर्म है यह मेडिकल साइंस से आया हुआ है, विरेचन या कैथारसिस। अरस्तु ने विरेचन की चर्चा ट्रेजेडी के विवेचन के क्रम में पोएटिस के छठे अध्याय में तथा राजनीति शास्त्र ग्रंथ में भाग 8 के अध्याय 17 में किया, संगीत के अध्ययन के उद्देश्य के संदर्भ में किया था। तो विरेचन की चर्चा उन्होंने कहां कहां की है, तो अरस्तु ने विरेचन की चर्चा दो जगह पर की है, पर ट्रेजेडी का जब विवेचन कर रहे थे, ट्रेजेडी पर विचार विमर्श कर रहे थे, और किस किताब में, यह पोएटिस जो उनकी किताब है उसके छठवें अध्याय में इन्होंने इस पर चर्चा की है। और दूसरा जो उनका ग्रंथ है राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र में भी उन्होंने विरेचन की चर्चा की भाग 8 और अध्याय 7 में, जब वो संगीत का अध्ययन कर रहे थे, मतलब कि संगीत का हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, लोगों के मन पर संगीत का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका जब वे अध्ययन कर रहे थे, इस पर चर्चा कर रहे थे, तब उन्होंने विरेचन की भी चर्चा की थी। और अरस्तु द्वारा मूल प्रयुक्त यूनानी शब्द कथारसी से, इन्होंने विरेचन के लिए जो शब्द प्रयोग किया है उसे यूनानी में हम कहते हैं कथारसिस, और जिसका हिंदी रूपांतरण क्या बन गया है, विरेचन बन गया है। विरेचन भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है, मतलब यह टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है। भारतीय जो चिकित्सा शास्त्र है, आयुर्वेदिक जो चिकित्सा होती है भारत में, तो उसमें विरेचन करके एक शब्द आता है ना, जबकि कथारसिस क्या है, यूनानी चिकित्सा शास्त्र का शब्द है, इसका हिंदी रूपांतरण किया गया है विरेचन। विरेचन क्या है, आइए हम देखते हैं। विरेचन का अर्थ है दूषित विचारों का निष्कासन या शुद्धि। तो विरेचन का यह तात्पर्य कि हमारे मन में जो दूषित विचार हैं उनको दूर करके हमारे मन को शुद्ध करना, हमारे विचारों को शुद्ध करना, इसे कहा जाता है विरेचन। तो विरेचन का तात्पर्य है हमारे मन से दूषित विचारों को दूर करना, या हमारे मन को इन सब गंदी बातों, गंदी विचारों को दूर करके हमारे मन को शुद्ध करना, पवित्र करना। अब चिकित्सा शास्त्र में इसका क्या अर्थ है, रेचक औषधियों के द्वारा शरीर के मल का अनावश्यक एवं अस्वास्थ्यकर पदार्थ, जिसे फॉरेन मैटर कहते हैं, का बाह्य निष्कासन कर शरीर व्यवस्था को शुद्ध और स्वस्थ करना। तो चिकित्सा शास्त्र में जो विरेचन शब्द का अर्थ है वह है कि हमको कोई औषधि दी जाती है, विरेचक औषधि, रेचक औषधि, जब वो हमारी बॉडी में जाता है तो हमारे बॉडी की जो भी गंदगी है, मलमूत्र वगैरह, उन सब बाहर निकल जाते हैं और हमारा शरीर जो है स्वस्थ हो जाता है। तो हमारे शरीर को स्वस्थ करने के लिए
क्या करता है, चिकित्सा शास्त्र में रेचक औषधि डाली जाती है, कोई औषधि दी जाती है पेशेंट को, मरीज को, जब वो औषधि उसके अंदर जाती है तो वह सारी गंदगी बाहर निकल जाती है, जैसे एनीमा वगैरह लगाते हैं। तो अब अरस्तु क्या है, डॉक्टर के पुत्र थे, चिकित्सक के पुत्र थे, तीनों ने वैद्यक शास्त्र से, मेडिकल साइंस से विरेचन शब्द को ग्रहण किया और उसका लाक्षणिक प्रयोग किया। लाक्षणिक मतलब अविदा लक्षणा व्यंजना जैसे होता है शब्द शक्ति, लाक्षणिक मतलब उसको ले लिया वहां से कि विरेचन का प्रयोग हम हिंदी इसमें साहित्य के क्षेत्र में भी करेंगे, काव्य शास्त्र के क्षेत्र में भी हम विरेचन शब्द का प्रयोग करेंगे। और उन्होंने कहा कि त्रासदी करुणा और त्रास भावनाओं का निष्कासन करती है। इस प्रकार अरस्तु ने त्रास या भय और करुणा इन दो भावों के विरोचन की चर्चा की। तो उनका कहना है कि जो काव्य क्या करता है, काव्य या फिर जो भी नाटक वगैरह होते हैं वे क्या करते हैं, हमारे मन में करुणा और त्रास या भय की जो भावना है, जो करुणा की भावना है या त्रास या भय की भावना है, इन दो भावों को क्या करती है, इनका निष्कासन करती है, इन भावनाओं को हमारे मन से दूर करती है ना, इनका विरेचन करती है। वस्तुतः बाह्य विकारों की उत्तेजना और उसके शमन के द्वारा मन की शुद्धि और शांति विरेचन। इसका तात्पर्य क्या है कि हमारे मन में जो विकार हैं, हमारे मन में जो बुरी बातें हैं, जो विकार हैं, जो खराब हमारे मन में जो भावनाएं हैं, विचार हैं, इनको क्या है, भावनाओं को पहले उत्तेजित किया जाता है, बाद में इसको दूर कर दिया जाता है, शमन कर दिया जाता है, शांत कर दिया जाता है। तो पहले तो क्या करना पड़ता है, विरेचन में हमारी भावनाओं को भड़काया जाता है, उत्तेजित किया जाता है, करुणा और त्रास या भय की भावना को उत्तेजित किया जाता है, और उत्तेजित करने के बाद हमारा मन शांत हो जाता है, और यही शुद्धि और शांति ही विरेचन है। अब हम देखते हैं आगे, अरस्तु का विरेचन से तात्पर्य शुद्धि अथवा परिष्करण से है। तो अरस्तु का कहना क्या है, विरेचन से उनका मतलब है मन की शुद्धि और मन के बुरे विचारों का परिष्करण, उन्हें दूर करना, तथा विरेचन कैथार्सिस का उद्देश्य आनंदप्रद राहत, डिलाइटफुल रिलीफ से। इसका तात्पर्य है जब व्यक्ति के मन से दूषित और बुरे विचारों का शमन हो जाता है, वे दूर हो जाते हैं, तब उसे क्या होता है, उसे आनंद प्राप्त होता है और आनंदप्रद राहत प्राप्त होता है, डिलाइटफुल रिलीफ, मतलब खाली उसे रिलीफ प्राप्त नहीं होता, उसे आनंद भी प्राप्त होता है। अब अरस्तु के व्याख्याकार और विरेचन का अर्थ, तो अब विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की व्याख्या की है। तो वर्जी जो डेजेट के क्या कहना है, इनके अनुसार विरेचन का इन्होंने चिकित्सा परक अर्थ, चिकित्सा परक व्याख्या की है। मेडिकल साइंस के दृष्टिकोण से इन्होंने इसकी व्याख्या की है और कहा है, जैसे रेचक द्वारा उदर शुद्धि होती है, उदर मतलब होता है पेट, जैसे जब रोचक औषधियों के द्वारा हमारे पेट में जो गंदगी है उसको साफ कर दिया जाता है, उदर की शुद्धि हो जाती है, वैसे ही त्रासदी का विरेचन मन को शुद्ध करता है। तो वैसे ही ट्रेजडी के द्वारा क्या होता है, हमारे मन का विरेचन हो जाता है, हमारे मन में जो भावनाएं हैं, जब हम ट्रेजिक नाटक देखते हैं या फिर कॉमेडी देखते हैं तो हमारे मन में वो भावनाएं उत्तेजित हो जाती हैं, बाद में उनका शमन हो जाता है, हमारा मन शुद्ध हो जाता है, शांत हो जाता है। प्रोफेसर गिलबर्ट मरे के अनुसार विरेचन का धर्म परक अर्थ है, अभी हमने मेडिकल साइंस के हिसाब से देखा, और ये दूसरे विद्वान है प्रोफेसर गिलबर्ट मरे, इन्होंने विरेचन का धर्म परक अर्थ किया, धार्मिक दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या की है। उन्होंने कहा है, यूनान में दियोनियोस सथम नामक देवता से संबद्ध उत्सव, मतलब उन्होंने क्या है कि धार्मिक इसका संबंध उन्होंने जोड़ा है कि एक धार्मिक जो होता है यहाँ पर वो एक कार्यक्रम या उत्सव मनाया जाता है, उस उत्सव के बाद लोगों का मन शांत हो जाता है विरेचन के द्वारा। इसका मैंने डिटेल में वहां पर व्याख्या की है, देख लीजिएगा मेरे एक और वीडियो में। इसके बाद प्रोफेसर बूचर के अनुसार विरेचन का कला परक अर्थ है, तो इन्होंने आर्ट के दृष्टि से देखा है, कला के दृष्टि से देखा है, दुखांतक उत्तेजना में दूषित अंश के निकलने के फलस्वरूप आनंद की प्राप्ति। दुखांतक उत्तेजना मतलब जैसे कोई व्यक्ति ट्रेजडी देख रहा है, कोई ट्रेजडी देख रहा है, कोई दुखांत नाटक देख रहा है, और उसको देखने के बाद या फिर उसको सुनने के बाद उसकी भावना, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, और इतना दुखी हो जाता है कि उसके बाद उसका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, क्योंकि उसके मन से जो दुख है, जो करुणा का भाव है, वो बाहर निकल जाता है, और इसके फलस्वरूप उसे आनंद की प्राप्ति होती है। आपने भी देखा होगा जब आप कोई ऐसा नाटक या फिल्म देखते हैं तो जो मुख्य जो पात्र है, जो कैरेक्टर है, उनकी भावनाओं के साथ आप बह जाते हैं, और जब तक आप फिल्म देखते रहते हैं आपको लगता है कि ये उसकी भावनाएं नहीं, आपकी खुद की भावनाएं, भावनाओं का साधारणीकरण हो जाता है, बाद में आपका मन शांत लगता है। तो यह उनका मानना है प्रोफेसर बूचर का। इसके बाद कार्नेगी रेसिन बार्नेज नाम के जो विद्वान है, इन्होंने विरेचन का नीति परक अर्थ किया है। नीति परक अर्थ मतलब क्या है कि इसको इमोशनल आप कह सकते हैं ना, मनोविकारों की उत्तेजना द्वारा विभिन्न अंतर्वृत्तियों का समन्वय। तो इन्होंने नीति परक अर्थ यहां पर आप साइकोलॉजिकल कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक। तो मनोविकारों की उत्तेजना द्वारा विभिन्न अंतर्वृत्तियों का समन्वय या मन की शांति या परिस्कृति ही विरेचन है। इनका कहना यह है कि हमारे मन में जो भी विकार हैं, जो मनोविकार हैं, मन में जो खराब भावनाएं हैं,
वो क्या है, वो क्या है, भावनाओं में जब हम भर जाते हैं तो हमारी अंतर्वृत्तियों का समन्वय हो जाता है। मतलब ये सारी भावनाएं जो बेकार की जो भावनाएं हैं, खराब विचार हैं, वो पहले क्लाइमेक्स में पहुंच जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और बाद में वे शांत हो जाते हैं। अर्थात मन की शांति या परिस्कृति ही विरेचन हो जाता है। मतलब पहले तो हमारी भावनाएं बहुत ज्यादा उत्तेजित होती हैं, उसके बाद में उनका धीरे से शमन हो जाता है और हमारे मन को शांति मिलती है, परिस्कृति मिलती है। आपने देखा होगा कभी भी किसी व्यक्ति के फीलिंग्स और इमोशंस हमेशा हाइपर नहीं रहते, हमेशा वह उत्तेजित नहीं रहेगा, कुछ क्षणों के बाद वह शांत भी हो जाता है। तो यहां मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन्होंने इसका विवेचन किया है। कुछ अन्य विद्वान क्या कहते हैं, अभी तो हमने अलग अलग दृष्टिकोण देखा कि चिकित्सा के दृष्टिकोण से विरेचन का अर्थ क्या है, इसके बाद धार्मिक दृष्टिकोण से, नीतिपरक दृष्टिकोण से, विभिन्न दृष्टिकोण से, कला के दृष्टिकोण से हमने विरेचन की व्याख्या की और उसे समझने का प्रयास किया जो विद्वानों ने हमें बताया है। लेकिन कुछ और भी विद्वान हैं जिन्होंने विरेचन शब्द की व्याख्या की है और उस पर विचार विमर्श किया है। इनमें सबसे पहले मिल्टन, मिल्टन बहुत बड़े कवि हैं इंग्लिश के, इन्होंने कहा है कैथारसिस का अर्थ भावनाओं के योग्य मर्यादा या संतुलन का निर्माण है। जैसे कांटा से कांटा निकलता है वैसे ही भावना से भावना की शुद्धि होती है। मतलब भावनाओं, जब हमारे मन में भावनाओं में संतुलन स्थापित हो जाता है, मतलब कैथारसिस का अर्थ है कि हमारी भावनाओं को संतुष्ट करना, भावनाओं में संतुलन स्थापित करना, ना बहुत ज्यादा उत्तेजित होना, ना बहुत ज्यादा दुखी होना, ना बहुत ज्यादा सुखी होना, बल्कि भावनाओं में एक संतुलन स्थापित करना। तो जैसे हम कांटा से कांटा निकालते हैं वैसे ही भावना से भावना शुद्ध होती है। जैसे हम ट्रेजिक कोई नाटक देखते हैं तो हम भी दुखी हो जाते हैं साथ में, जैसे वहां पर हम कोई कॉमेडी देखते हैं तो वहां पर हम भी खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार भावना से भावना की शुद्धि हो जाती है। लेसिंग नाम के विद्वान है, इन्होंने कहा है कथारसिस का शब्द का प्रयोग शुद्धि के अर्थ में किया है। तो ये तो सभी लोग बोल रहे हैं कि कथारसिस का मतलब ही शुद्धि है, मन में जो दूषित विचार है, जो दूषित भावनाएं हैं, उनको शुद्ध करना और मन को शांत करना, तो इनका मानना भी वही है। रिचर्ड्स कहना है भावनाओं की संघातता कैथारसिस है। भावनाओं की संघातता मतलब जैसे हम एक जैसी भावनाएं, जब हमारे हमारी जो भावनाएं हैं और जो पात्र की भावनाएं, जो ट्रेजेडी या कॉमेडी हम जो देख रहे हैं उनकी भावनाओं के साथ जब हमारी भावनाएं मिल जाती हैं, उनका साधारणीकरण हो जाता है। जैसा पात्र महसूस करता है वैसा हम ही महसूस करते हैं, तब यही कैथारसिस है। क्योंकि ऐसे नाटक को देखने के बाद जो दर्शक हैं, जो प्रेक्षक हैं, उनका मन भी शांत हो जाता है और उनकी जो दूषित भावनाएं वे शमित हो जाती हैं, उनका शमन हो जाता है, वे दूर हो जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का क्या कहना है, डॉक्टर नगेंद्र का कहना है मनोविकारों का उद्रेक और उसके शमन से उत्पन्न मन की शांति विरेचन है। मतलब पहले तो जो हमारे मनोविकार हैं उसको बहुत ज्यादा उत्तेजित किया जाता है, क्लाइमेक्स तक पहुंचाया जाता है, और जब वो क्लाइमेक्स तक पहुंच जाता है फिर धीरे धीरे वह शांत भी हो जाता है, अब वह दूर हो जाता है, उसके बाद हमारे मन को शांति महसूस होती है, यही विरेचन है। विरेचन सिद्धांत अभिनव गुप्त के सत्वोद्रेक, अभिनव गुप्त नाम के जो भारतीय आचार्य हुए हैं भारतीय काव्य शास्त्र के, उन्होंने सत्वोद्रेक का सिद्धांत दिया है, और रिचर्ड्स ने अंतर्वृत्तियों के सामंजस्य का सिद्धांत दिया है। रिचर्ड्स नाम के जो पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं या फिर विद्वान हैं, इन्होंने अंतर्वृत्तियों के सामंजस्य, मतलब मन की जो भावनाएं हैं, मन की जो वृत्तियां हैं, है ना, फीलिंग्स और इमोशंस हैं, इनका सामंजस्य कहाँ है। और शुक्ल जी ने क्या कहा है, शुक्ल जी के अनुसार जो हृदय की मुक्तावस्था है, जब हमारा हृदय मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है, जहां हम सारे राग विराग और द्वेष से दूर हो जाते हैं, है ना, हानि लाभ सुख दुख सबसे दूर हो जाते हैं, हमारा हृदय मुक्त हो जाता है, इस तरह की स्थिति को ही विरेचन कहा है डॉक्टर नरेंद्र ने। तो इनसे इनकी तुलना की है। अब विरेचन सिद्धांत की उपलब्धियां क्या है, इसका क्या महत्व है। पहला तो यह है कि प्लेटो द्वारा लगाए गए आरोपों का निराकरण, प्लेटो ने जो कवि पर जो आरोप लगाए थे, कवि और कविता पर, कि यह लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं लोग, और लोगों की वासनाओं को जागृत करते हैं, दूषित विचार फैलाते हैं समाज में, और इस प्रकार उन्होंने अपने जो रिपब्लिक है, जो आदर्श गणराज्य की उन्होंने जो स्थापना की बात कही है, उसमें उन्होंने कवि और कवियों को कोई स्थान नहीं दिया है। तो इन प्लेटो द्वारा जो है आरोप लगाए गए थे कवि और कविता पर, इसका निराकरण किया गया अरस्तु के द्वारा विरेचन सिद्धांत के माध्यम से। और दूसरा, रिचर्ड की समीक्षा का मूलाधार अंतर्वृत्तियों के समन्वय के मूल में विरेचन सिद्धांत है। जब रिचर्ड के जो समीक्षा का मूलाधार क्या है, अंतर्वृत्तियों का समंजन, मतलब सामंजस्य, हमारे मन की जो अंतर्वृत्तियां हैं, जो हमारे मन में जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, जो बेसिक इंस्टिंक्ट है हमारे अंदर, है ना, तो इनको इनमें क्या है सामंजस्य स्थापित करना, और इसके मूल में क्या है, यह विरेचन सिद्धांत ही काम करता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने समझ लिया होगा कि अरस्तु का विरेचन सिद्धांत क्यों क्या है। और यदि आज का मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जो बताएं। साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें, और अधिक से अधिक आप अपने मित्रों के साथ इसे साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।